नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अक्टूबर माह का अनाज नहीं मिलने से क्षुब्ध धनवार के पचरुखी पंचायत के बघमारी, लपसिया टांड, भेलवा पहरी, लखठाही के दर्जनों कार्डधारी मंगलवार को भाकपा माले नेता विनय संथालिया की अगुवाई में FCI गोदाम पहुंचकर अक्टूबर माह का राशन नहीं मिलने के संदर्भ में पूछताछ की गई। कार्डधारियों का आरोप था कि पचरुखी पंचायत के अन्य गांवों में कार्डधारियों को नियमित राशन मिल रहा है, जबकि हम लोग इसी पंचायत से आते हैं जहां हम लोगों को संबंधित डीलर के यहां से अक्टूबर माह का अनाज नहीं बांटा जा रहा है। कार्डधारी अपनी बातों को रखने के लिए AMO से मिलने पहुंचे थे, लेकिन AMO छुट्टी में रहने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। पूछने पर संबंधित डीलर प्रमोद पांडे ने बताया उसे अनाज का आवंटन ही नहीं मिला है। इस बाबत AGM जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि दुकान संचालक के द्वारा ईपोश मशीन के द्वारा कार्डधारियों से अंगूठा लगाकर पर्ची निकाला जाता है, लेकिन एक भी पर्ची नहीं निकलने के कारण उक्त डीलर का आवंटन नहीं मिला है। इस क्रम में भाकपा माले नेता विनय संथालिया ने कहा कि धनवार नगर पंचायत समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र में सितम्बर माह का अनाज लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया गया है। ऐसे में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार इन कालाबाजारियों के कारनामों को छुपाने तथा बचाने का एक जरिया और बहाना है। कहा कि 48 घंटे के अंदर इन चारों गांव के कार्डधारियों के बीच अक्टूबर माह का अनाज का वितरण नहीं करवाया गया तो FCI गोदाम तथा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। धनवार प्रखंड के पचरुकी पंचायत ग्राम बघमारी से आए हैं और अक्टूबर महीना का राशन हम लोग को नहीं मिला है। डीलर के पास में जब जाते हैं तो डीलर कहता है कि हमको आमंत्रण नहीं दिया गया है। नहीं, मेरे पास नहीं आया है। अक्टूबर माह का रेगुलर का आमंत्रण नहीं आया है। हम लोगों का दुकान सस्पेंड होने के कारण कारूडी में माँ स्वयं सहायता समूह के पास टैग था, जिसमें उनका अक्टूबर माह का राशन कट गया। हम कितना बार अपना कागज और माँ स्वयं सहायता समूह का कागज निकाल करके दिए, जिसमें यह प्रूफ है कि मेरा राशन नहीं कटा है, माँ स्वयं सहायता समूह का राशन कटा है। जय माँ, मेरे राशन का दुकान का नाम है जो मेरा नहीं कटा। यह कितने बार AMO साहब के पास भी आए, इस प्रूफ भी दिए और आजकल करके टाला गया और आज तक हमको राशन नहीं मिला है। जिसके चलते पब्लिक ने हमको पूछा कि राशन क्यों नहीं आया और पब्लिक को आग्रह हो गया। हम बोले हमको गोदाम से आया ही नहीं है, तो आप भी गोदाम में जाके पूछ लीजिए कि हमको राशन मिला ही नहीं, तो हम राशन कहाँ से दें। माँ SHG भल्लूटांड का आवंटन अक्टूबर माह का NFSA के तहत आवंटन कटा हुआ है, इसलिए उसको अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। धनवार प्रखंड के अंदर अनाज की कालाबाजारी चरम पर है। अभी तो पूरे जिले में सितम्बर माह का अनाज कालाबाजारी का मामला छाया हुआ है। आपने देखा कि ये विनोद सिंह ने विधानसभा में भी सवाल उठाया। अभी धनवार नगर पंचायत समेत पूरे प्रखंड में कहीं भी सितंबर माह का अनाज का वितरण नहीं हुआ। अब इसके ऊपर भी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर देख रहे हैं बघमारी गांव के लोग आए हुए हैं। पचरुखी पंचायत के तमाम डीलरों के द्वारा अनाज का वितरण किया जा रहा, मगर बघमारी, लपसिया टांड, भेलवा पहाड़ी और लखठाई इन चार गाँव के लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। हम कह रहे किन डीलरों की क्या कमी है, विभाग की क्या कमी है, ये दुरुस्त करने की जिम्मेदारी विभाग की है। जनता को और कारधारियों को अनाज चाहिए। अगर 48 घंटा के अंदर इन चार गांव के लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं करवाया गया तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। अब पूरे पंचायत से लोगों को लाके इस FCI गोदाम और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी करेगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अभी जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा, जनता यहाँ पर चक्कर काट रही है। जनता जब सरकार के दरवाजे पर आ रही तब उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और नौटंकी हो रहा कि सरकार आपके दरवाजे पर जा रही है। इनको अनाज कैसे मिले इसकी गारंटी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को करनी होगी, और नहीं तो धनवार में आंदोलन तेज होगा।